वो शायर कहता है ना कि अपनी धुन में रहता हूँ, तो अपनी धुन में रहना एक बड़ी बात है, ये आम लोगों के समझ में आने वाली बात नहीं है। दुनिया के मुताबिक ना चलना, फैशन रस्म और रवाज सबको ठुकरा देना, ये होता है अपनी ही धुन में रहना। और अरबी की ये कहावत आपको बिल्कुल ऐसा ही करने की तरगीब दे रही है, ऐसा ही करने की एडवाइस दे रही है कि अपनी ही धुन में रहा करो, एक घड़ी की तरह रहो, कुन रहो कस्सा घड़ी की तरह, एक घड़ी की तरह रहो, ला तमशी बेमिजाजिन अहद, ये किसी के मिजाज के मुताबिक नहीं चलती, कोई इसको स्लो नहीं कर सकता, कोई इसको महमेज दे के तेज नहीं कर सकता, कोई इसको लालच नहीं दे सकता, ये अपनी रफ्तार से चलेगी। आप अगर सुइयां घुमा के तीन वाली सुई छः पे भी कर भी दोगे तो वो सिर्फ आपकी अपनी घड़ी होगी, आपकी परसेप्शन चेंज होगी, दुनिया का टाइम नहीं बदल जाएगा। तो बात तो समझने की है मेरे दोस्त, एक घड़ी की तरह रहो जिसको कोई भी ताकत इधर से उधर नहीं कर सकती, अपनी मंजिल खुद तय करो और उसी के मुताबिक अपना सफ़र भी इख्तियार करो, घड़ी की तरह रहो जिसको किसी का मिजाज तब्दील नहीं कर सकता, जो किसी के मिजाज के मुताबिक नहीं चलती।